हाय देयर, दिस इज कुंदन फ्रॉम केविंग्स। वेलकम टू द चैनल। फाइव थिंग्स जो आपके फोटोग्राफी गेम को इंस्टेंटली स्टेप अप कर देगा, तो वो क्या चीज़ें हैं, चलो हम देखते हैं। ये मैं भी अपने फोटोज़ में जब भी क्लिक करता हूँ उस टाइम मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो क्या चीज़ है, चलो देखते हैं गाइस। नंबर वन, एंगल्स। अब बहुत सारे न्यू फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होता है तो बस कैमरा निकाले, दो चार क्लिक ली, बस हो गया। ये क्या है, फोटोज़ क्लिक करने से पहले 10 सेकेंड सोचो किस एंगल से फ़ोटो मुझे लेना है, किस एंगल से फ़ोटो मेरा सही आएगा। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करो। लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करना है, कभी लेफ्ट से ट्राई करो, कभी राइट से ट्राई करो, कभी थोड़ी ऊपर से लेने की कोशिश करो, एंड एट लास्ट यू विल गेट द बेस्ट शॉट। नंबर टू, फ्रेमिंग। ना फोटोग्राफी में फ़ोटोज़ को क्लिक करते टाइम फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्रेमिंग सही नहीं हुआ तो फोटोज़ भी सही नहीं दिखेंगे। लाइक सपोज मुझे एक मोबाइल का फ़ोटो लेना है, अगर मैं ऐसे ही मोबाइल का फोटो क्लिक कर लूँ तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखेंगे। और वही अगर मैं मोबाइल के साइड में एक लैपटॉप रख दूँ, एक किताब रख दूँ और एक क्यूब ला करके रख दूँ, तो फोटो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फोटो फ्रेमिंग करने से फ़ायदा ये भी होगा, जब भी व्यूवर्स उस फोटो को देखेंगे सीधा उनका नज़र उस सब्जेक्ट पे जाएगा। तो फोटो क्लिक करने से पहले फ्रेमिंग के बारे में सोचो, सब्जेक्ट को फ्रेम के किस पोजिशन पर रखा जाए ताकि व्यूवर्स जब भी उस फोटो को देखें तो उनका सीधा नज़र उस सब्जेक्ट पर जाए और साथ ही साथ फोटो भी इंटरेस्टिंग दिखे। नंबर थ्री, लाइट्स। गाइज, फोटो क्लिक करते टाइम लाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइट्स सही नहीं हुए फोटो में तो फोटो भी अच्छे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल डल दिखेंगे फोटो। एक अच्छा खासा फोटो भी लाइट अच्छी नहीं होने की वजह से खराब दिखता है। अगर फोटो ज़्यादा डार्क आ रहे हैं तो एक्सटर्नल लाइट्स यूज़ करो, और अगर एक्सटर्नल लाइट्स नहीं है खिड़की के पास जाकर शूट कर सकते हैं। खिड़की जो होता है वो एक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स का काम करता है, जहाँ से लाइट्स जो होते हैं नेचुरल लाइट्स डिफ्यूज़ होकर के आते हैं। और अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह या फिर शाम में फ़ोटोज़ को क्लिक करें। सुबह और शाम में नेचुरल लाइट्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट दिखते हैं। जब बादल घेरे हो तब भी आप शूट कर सकते हो, क्योंकि बादल सनलाइट को डिफ्यूज़ कर देता है और बादल एक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स का काम करता है। अगर फोटोज़ ज़्यादा ही डार्क आ रहे हों तो कोशिश करो नेक्स्ट डे शूट करने की। नंबर फोर, डेप्थ। सिंपल फोटो क्लिक करने से अच्छा है फोटोज़ में डेप्थ लाने की कोशिश करो। ट्राई करो फोटोज़ क्लिक करते टाइम सामने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने के, जिससे फोटो थ्री डायमेंशनल लगता है, फोटो में डेप्थ नज़र आता है, जिससे फोटो और भी अच्छा दिखने लगता है। लेंस के सामने कुछ भी ऐड करके फोटो क्लिक कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट, मे बी लीफ, एंड इवन अपनी उंगलियों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर फाइव, थिंक डिफरेंटली। सपोज आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे एक स्टैचू लगी हुई है और सभी क्या कर रहे होंगे, सामने से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आप वहाँ क्या कर सकते हो, आप जाओ सामने से फ़ोटो लो ही, लेकिन कोशिश करो अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेने की। कभी साइड से ट्राई करो, कभी नीचे के एंगल से लेकर के देखो, तब जाके आपके फ़ोटो डिफरेंट लगेंगी बाकियों से। अब ये किसी भी फ़ोटोज़ पे अप्लाई हो सकता है, चाहे आप एक मोबाइल की फ़ोटो ले रहे हो, या फिर बुक की फ़ोटो ले रहे हो, या फिर एक लिविंग रूम की फ़ोटो ले रहे हो। अपना दिमाग लगाओ, सोचो वो कौन सा ऐसा कॉमन एंगल है जहाँ से सभी फ़ोटोज़ लेने की ट्राई करेंगे, बस उसका उल्टा करने की कोशिश करो। ट्राई करो डिफरेंट एंगल से फ़ोटोज़ लेने की, तब जाके आपके फ़ोटोज़ डिफरेंट लगेंगे और बाकियों से आपका फ़ोटोज़ अलग होंगे। तो गाइज, अगर आप यूं ही फोटो क्लिक कर रहे थे और अपनी फोटोग्राफी को थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं, तो इन 5 टिप्स के मदद से आप अपनी फोटोग्राफी में चेंजेस जरूर देखेंगे। तो ये 5 टिप्स को फॉलो करके अपने फोटोग्राफी को दूसरों से स्टेप अप जरूर कर सकते हैं। तो यही था इस वाली वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, एंड बाय बाय।